टॉपिक है मोटिवेशन है। जनरली मोटिवेशन हम लोग ले ही लेते हैं, मोटिवेशन यूट्यूब से पढ़ते हैं, डॉक्टर विवेक चिंद्रा, संदीप महेश्वरी जी, उनसे मोटिवेशन लेते हैं। एक दिन जो आप उनसे मोटिवेशन लेते हो, एक दिन और एक महीना वो जो मोटिवेशन हमारे अंदर में रहता है, उसका इफेक्ट जो रिजल्ट आता है, अगर एक महीना एक दिन में उतना आता है, उस मोटिवेशन जो बाहर से मिलता है, अगर हम अपना सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा एक बार सोच के देखिए। अगर हम बाहर से कहीं टिकट बुक करके या यूट्यूब से किसी दूसरे से हम मोटिवेशन लेते हैं और उसको हम एक महीना या छह महीना या एक दिन हम उसको यूटिलाइज करते हैं, तो मोटिवेशन का रिजल्ट जो आता है, अगर हम सेल्फ मोटिवेट करेंगे तो आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हम अपने अंदर में कैसे सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड करेंगे ताकि हमें बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े और अंदर से अंदर ही सेल्फ मोटिवेट रहे। तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप है, स्टार्टिंग से बताते जा रहा हूं। एक हो गया अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी लेना था पड़े। अकाउंटेबिलिटी लेने से अगर मैं डे टू डे लाइफ का जो बेसिक एग्जांपल है उसी से बता के बताऊंगा अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी होता है अगर हमारा फैमिली में फैमिली मेंबर छह है, हमारा अनसर्टेनिटी अननेसेसरी सिचुएशन कुछ आ गया कि हमारा एजुकेशन खत्म हो गया, कि हम पढ़ने के लिए आ गया, हमें फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा, तो हमें उस टाइम अकाउंटेबिलिटी लेना है ताकि ना कि हम भगवान को कहते रहे कि ये मेरा गलती नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया। अपने आप को अकाउंटेबिलिटी लेना है ताकि खुद को संभालना है उस सिचुएशन में। खुद को संभालने के बाद फैमिली को संभालना है और जो हमारा जो छोटे भाई बहन है उनको पढ़ाना लिखाना है और उनको कैपेबिलिटी करना, ये होता है अकाउंटेबिलिटी। अगर हम इस तरीके से हर चीज अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करेंगे तो हम अंदर से अंदर ही सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। अगर हम अकाउंटेबिलिटी अपना जो अकाउंटेबिलिटी खुद को बचाना, उसके साथ फैमिली को सही डिरेक्शन देना, उनको पढ़ाना लिखाना, छोटी भाई उनको काबिल बनाना, अगर आप अपने संभाल दिए अकाउंटेबिलिटी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। जो फैमिली के लिए आपने किए वो हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी खुद को जिम्मेदारी देना, खुद का जिम्मेदारी लेना अकाउंटेबिलिटी हो गया। फैमिली के उसके साथ लेना रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। जो हम बिल्ड किए तभी बिल्ड कर पाए जो आप खुद को मोटिवेशन किए, खुद को संभाले, जो अकाउंटेबिलिटी आता है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, फैमिली को हमें संभालना है और संभाल लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है लीडरशिप। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी कर दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया, तो लीडरशिप आपने सारे वो डिफिकल्टी सिचुएशन क्रॉस किए हैं ताकि आपको पता है लीडर्स किस कैसे होना चाहिए। अगर आप जाके आगे बिजनेस में बन रहे हैं या कम्युनिटी को संभाल, जब आपको संभाल दिया, आपका फैमिली को संभाल दिया, तो आप कम्युनिटी को संभाल सकते हो। एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडरशिप की तरह से आप रन कर सकते हो, ताकि ना कि एक बिजनेस मैन की तरह रन कर सकते हो। तो इसमें अगर आप ये तीनों चीज, एक अकाउंटेबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडरशिप बिल्ड कर रहे हो अपने अंदर, तो बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल से बेसिक अकाउंटेबिलिटी खुद को संभालना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के साथ अपने जो जिम्मेदारियां दिया गया उसको लेना है, लीडरशिप एक कम्युनिटी को संभालना है। अगर खुद को संभाला, फैमिली को संभाल लिया, एक कम्युनिटी को भी संभालना है, क्योंकि अभी का डेट में कम्युनिटी को एक लीडर की बहुत जरूरत है। तो ये बेसिक स्टेप हो गया एक मोटिवेशन का। सेकेंड स्टेप विजन एंड मिशन। विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है। विजन हो गया हम क्या सोच रहे, कहां पहुंचने के लिए हम ट्राई कर रहे। हम आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक लीडरशिप बन, एक लीडर बनना है, ये हो गया विजन। मतलब हम कहां तक देख रहे हैं। मिशन क्या हो गया, उसको पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए छोटी छोटी स्टेप हम बनाते रहते हैं, वो स्टेप पूरा कर अचीव करते हैं। तो छोटी छोटी स्टेप अचीव करते करते हम विजन में जहां पे पहुंचना। मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में हूं, मुझे मुंबई जाना है या उड़ीसा जाना है, तो मैंने विजन बना लिया हूं कि मुझे मुंबई जाना है। तो मुंबई जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर मैं सोचूंगा फ्लाइट में जाना है या ट्रेन में जाना है या यहां से मुझे क्या कैसे जाना है। तो मैंने मान लीजिए फ्लाइट जाने के लिए मैं ट्राई किया, तो यहां से मुझे कैब बुक करना है या पर्सनल किसी दोस्त व्हीकल से जाना है। ये छोटी छोटी स्टेप होता है जो हमें मुंबई तक पहुंच जाने के लिए हेल्प करता है। तो मिशन विजन वही होता है जो हम दूर तक सोचते हैं, दूर तक देखते हैं, या ये हमारा गोल या डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए छोटी छोटी स्टेप में हम कन्वर्ट करते हैं या प्लान करते हैं। जैसे कि हम लोग 5 लाख सेविंग करने के लिए LIC वाले ने छोटी छोटी 3 महीना में 3,000 5,000 5 लाख
डेस्टिनेशन हो गया, हमें 5 लाख इकट्ठा करना है ताकि 25 साल तक, तो हमने 16 साल से 3000-3000 हर महीना सेविंग करना चाहिए। ये मिशन हो गया, छोटी छोटी स्टेप हो गया मिशन, और 5 लाख हो गया विजन या डेस्टिनेशन। अगर हम इस तरह अपना ड्रीम को बनाएंगे तो दूसरे बाहर से हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मेरा ये ट्रेनिंग टॉपिक में बताना चाहता हूँ बेसिक मुद्दा है कि हमें बाहर से मोटिवेशन ना लेके हम अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ताकि हम ये स्टेप अगर हम फॉलो मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो मिशन और विजन आपको आपके अंदर डेली बिल्ड करना है, सोचना है और उसको लिख के रखना है और उसके ऊपर आप वर्क एक्टिविटी करना है, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको, अगर डेस्टिनेशन अचीव कर सको। उसके लिए आप डेली हर मिनट एवरी सेकेंड इन लाइफ आप खुद को मोटिवेट करके रह सको। तीसरा स्टेप हो गया सोच, विजन जनरेशन बता दिया, वो भी सोच है, और तीसरा टाइप हो गया सोच। आप सोचिए कि अगर हम ये कोरोना में अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हम यही सोचते होंगे कि कोरोना कब खत्म होगा, हम ड्यूटी कब जाएंगे, या ऐसे अनसर्टेनिटी सिचुएशन कब फिनिश होगा। हम डेली का सोचते हैं या एक महीना तक सोच लेते हैं। हम लोग अभी भी 2020 में और मई में जिंदे हैं, लेकिन जो बिजनेस मैन है, जो बड़ी बड़ी विजनरी है, जैसे रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, वो अभी भी जिंदा है 2050 में, 30 साल आगे ऑलरेडी वो मेंटली फिजिकल मेंटली वो विजनरी में वो पहुंच चुके, तो वो ऑलरेडी 30 साल आगे की सोच रहे 2050 में जिंदे है। जब तो हम 2050 में पहुंच जाएंगे, वो 2090 में पहुंच जाएंगे, तब तो इसीलिए वो ग्रोथ होते। तो सोच 5 टाइप का होता है, जो दुनिया में 5 प्रकार का आदमी रहता है या आदमी सोचता है 5 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी जो डेली का होते हैं, जो कुछ पैसा स्टेशन में भीख मांगते रहते हैं या कोई चीजें, जो जनरली विकलांग है या जिनको जरूरत है भीख मांगने की, वही मांगा जाए। लेकिन ताकि आगे हम लोग सबको पता है अननेसेसरी लोग भी आजकल भीख मांगना चालू कर दिए। वो आधा दिन का सोचते हैं, वो बंदा वो आदमी आधा दिन का सोचता है, सुबह उठा तो सोचेगा कि मुझे आज 50 रुपया हो जाएगा तो मेरा ये खाना बन जाएगा, तो 50 रुपये के लिए ही वो भीख मांगता रहता है। तो उसका सोच आधा दिन का या एक दिन का होता है, फिर रात तक सोचता है। ये एक नंबर कैटेगरी का मैन आ गया। दूसरा कैटेगरी में आ गया एक हफ्ता जो सोचते, एक हफ्ता के लिए ही सोच पाते हैं, जो हो गया कंस्ट्रक्शन साइड में आप लोग देखे होंगे, मजदूरों काम करते हैं, एक हफ्ता हो गया उनको एक हफ्ता का तनख्वाह दिया जाता है, वो एक हफ्ता तो ही सोच सकते हैं, ताकि उनका सोच वही तक है। तो तीसरा कैटेगरी जो हो गया एक महीना तक जो आदमी सोचते हैं, जो हम है जनरली जो जॉब करते हैं, छोटी छोटी बिलो मिडिल क्लास का जो जॉब करते हैं, तनख्वाह को हम लोग डिपेंड करते हैं सैलरी को, एक महीने का सैलरी आते ही 3 दिन में वो खत्म हो जाता है, फिर एक महीने के लिए हम सोचते हैं कि इस सैलरी को हम कैसे बचा के रखें, एक महीना के उसको मैनेज करना। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गया कि एक महीना वो लोग सोचते हैं। तो चौथी कैटेगरी हो गया साल में सोचते, एक साल के लिए सोच लेते, जो बड़ी बड़ी ग्रुप में पैकेज में जॉब करते हैं, सैलरी में जॉब करते हैं, मंथली इनकम इतना है, और जो पैकेज में 15 लाख 20 लाख 30 लाख, तो उनका जो प्लानिंग होता है एक साल को लेके वो प्लानिंग करते हैं, कैलेंडर एक साल का बनाते हैं, उनको वो पैसा भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना, तो वो एक साल के लिए ही सोच पाते। और फिफ्थ कैटेगरी जो मैंने बताया कि रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी 2050 में जिंदा है, उनका सोच 10 इयर्स 30 इयर्स 40 इयर्स का होता है। वो कभी भी कोई प्लान लॉन्च कर रहे हैं, कोई बिजनेस प्लान लॉन्च कर रहे हैं, प्लान है 10 इयर्स मिनिमम होता है, 20 इयर्स मिनिमम होता है, और 20 इयर्स के लिए दूसरा तीसरा चौथा प्लान बना लेते हैं। तो ये जो सोच ही है, और ये जो सेल्फ मोटिवेट सोच आता है सेल्फ मोटिवेशन से, वो जो सेल्फ मोटिवेशन है वो उनको वही आगे तक ले जाता है, जिसे बोला जाता है हर चीज, आप लोग भी सुने होंगे, जो जैसा सोचता है उसी को वैसे ही मिलता है। ये सोच ही है जो हमें आगे लेकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, जिसको जो ड्रीम है एंटरप्रेन्योर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वही सोच ही है जो हमें आगे लेता है। ये सोच सेल्फ मोटिवेशन में आता है। मेरा ये आज का एक रिक्वेस्ट है, आप बाहर से सेल्फ मोटिवेशन ना होके ये 3 प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। एक अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से आएगा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा लीडरशिप। अगर आप अपने को अकाउंटेबिलिटी कर लिए तो आप फैमिली को भी आप संभाल लोगे, अगर आप एक फैमिली को संभाल ले रहे हो, एक कम्युनिटी को संभाल लोगे, कम्युनिटी को जब संभालोगे आप एक बड़ी लीडर बन जाओगे। ये तीनों चीज आपका अगर इनबिल्ड हो रहा है आपके अंदर, मोटिवेशन बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। सेकेंड हो गया विजन और मिशन। आप जो जिसको जैसे बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, जो जैसा चाहता है वो विजन बनाओ। उसको अचीव करने के लिए छोटी 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 छोटी
स्टेप बना जिसको बोला जाता है मिशन। एक एक मिशन पूरा होगा, विजन डेफिनेटली अचीव हो जाए। अगर आप इस सेकेंड स्टेप को इस तरह फॉलो करेंगे तो आपको मोटिवेशन बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच। जो विजन है वही है सोच, हम कहां तक देख पा रहे, कितना दिन कितना तक सोच पा रहे। तो ये पांच कैटेगरी में आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला और हमारा कुछ गलती है, दोबारा रिक्रिएट करने के टाइम आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जब दूसरा वीडियो बनाएंगे थोड़ा इससे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो कि थोड़ा डेली डेली होता है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप बाहर से मोटिवेशन ना ढूंढ के सेल्फ मोटिवेट रहिए, डे टू डे लाइफ में आप रहिए, आपका सरकम रखिए। थैंक यू।